ये नैतिकता के रास्ते पे, मॉरालिटी के रास्ते पे भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये शहर को बसाया ही औरंगज़ेब ने था। और ये बात इस मौके पे आपको बता दूं कि जहां औरंगज़ेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो दक्षिण भारत में वो बहुत सालों तक रहा, और औरंगाबाद ही उसका हेड ऑफिस था। और भारत में दो सबसे बड़े साम्राज्य जो रहे हैं, एक था एम्परर अशोक का और दूसरा औरंगज़ेब का, इससे बड़े साम्राज्य भारत में पहले नहीं रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये कानूनी तौर से तो इल्लीगल है, फिर भी क्यों हुआ कर रहे। अब सवाल यही है, मुद्दा ये है, क्योंकि जिनके हाथ में पावर है और जो अपने पावर में बढ़ते गए हैं लगातार 95 साल तक, आप इशारा समझ लीजिएगा, 95 ईयर्स से लगातार वो काम कर रहे हैं, अब उनको दोष देना या खुद को दोष देना कि वो जब काम कर रहे थे नफरत फैलाने का, ये सब चीज़ें का, हम क्या कर रहे थे, हम क्यों सो रहे थे और हम आज जाकर क्या कर सकते हैं, ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो पहले एक थोड़ा सा मजाक की बात आपको बताता हूँ। इसके पहले अलाहाबाद और एक था ये कौन सा मुगल सराय जंक्शन, लगातार एक के बाद एक नाम बदले जा रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट साथी थे, वो भारत के सबसे बड़े महान इतिहासकारों में से एक, डॉक्टर इरफान हबीब के पास गए। इरफान हबीब का तो मेरे ख्याल से जितनी नफरत आज ये वो वाले किसी से करते हैं उसमें रोमिला थॉपर और इरफान हबीब, ये दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास को सच्चे तरीके से, ईमानदार तरीके से, केवल राजाओं का इतिहास नहीं लिखा, समाज का इतिहास लिखा, मजदूर, दलित, आदिवासी, औरत, सबका इतिहास उन्होंने लिखा। और इनको, उन्हीं सब का विरोध करना है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। खैर, तो इरफान हबीब साहब से एक पत्रकार महोदय गए, तो इरफान साहब भी थोड़े लाइट मूड में थे। तो पत्रकार पूछता, सर ये क्या हो रहा है, ये शहरों के नाम बदल रहे हैं, जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने अच्छे से सवाल उठाया, ये शहर का नाम बदल के क्या होगा, किसी का भला होगा, किसी का ये होगा। तो इरफान साहब कहते हैं कि देखो भाई, भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, सब चीज़ है, ये मिली जुली है, इसमें खास तौर से हिंदू मुसलमानों का योगदान सबसे ज़्यादा है, पर जहाँ भी मुसलमानों का योगदान है ये अभी की सरकार उसको हटाना चाहती है। तो बोले उनको ऐसे ही है ना, तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बदल देना चाहिए जिसका नाम भी थोड़ा उधर से ही आया हुआ है, और नाम आप पहचान लिए, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, क्या नाम है उनका, अमित शाह। शाह नाम कहाँ से आया, ईरान से आया, और शहनशाह, बादशाह, ये सब अमित शाह उसमें आ गए। अब उनको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर वो उस नाम का इस्तेमाल तो बहुत मज़े से करते हैं। खैर, तो दोस्तों सवाल ये है कि एक शहर के इस पे हम जितना संघर्ष कर सकें कम है, पर इसको हमको भावनात्मक मुद्दों पे नहीं ले जाना चाहिए। मैं जानबूझ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों, जब भी हम इसको इमोशनल मुद्दा बनाते हैं ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो ये राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। आप पूरा इतिहास देख लो, जहाँ भी उनका एम ये रहता है कि इनको भड़काओ, इनको भड़काएंगे तो हम पूरे मेजॉरिटी समाज को बताएंगे देखो भाई ये लोग ऐसे हैं, तो मेजॉरिटी समाज गोल बंद हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा, ध्रुवीकृत हो जाएगा, और ध्रुवीकरण के कारण ही ये इनका पावर बढ़ा, ये बात इसको आप याद रख लीजिएगा। और इसका जहाँ तक भारत का सवाल है, इंडिया का सवाल है, ये इंडिया कोई एक धर्म के वजह से नहीं बना, एक जाति की वजह से नहीं बना, ये सदियों से यहाँ लोग आते रहे। अभी तो सबसे पहले तो यहाँ आर्य आए थे, जिनके नाम पे आज ये राजनीति हो रही, आदिवासी यहाँ के मूल निवासी, सबसे पहले आर्य आए, आर्य और आदिवासियों के बीच में वो उसकी बहुत बड़ी कहानी है। ग्रीक आए, रोमन्स आए, हूण आए, शाक आए, और मुस्लिम राजा तो 11वीं शताब्दी के बाद से आए, उसके पहले 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे भी उसने राज किया था। तो खैर, पहले तो ये अपने को अब क्लियर हो जाना चाहिए कि भारतीय समाज ये बहुधर्मीय, बहुजातीय समाज है, बहुभाषीय समाज है,
ये किसी एक धर्म के लोगों की मक्तेदारी नहीं है। और ये बात जो हम सीखते हैं वो सभी से सीखते हैं। जैसे मैं एक थोड़ा अभी के वाक्य से शुरू कर देता हूँ। अभी आप देखिए, औरंगजेब को उन्होंने एक आइकन बना दिया है, निगेटिव आइकन, नकारात्मक प्रतीक, और शिवाजी महाराज को एक पॉजिटिव आइकन बना दिया है। मुसलमानों के लिए औरंगजेब, हिंदुओं के लिए शिवाजी, ये करने में वो काफ़ी कामयाब रहे, क्योंकि अभी अभी वो शोलापुर में हुआ था ना कि उन्होंने वो आईडी लगाया कुछ लड़कों ने, 10 जगह पे हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो बयान दिया कि औरंगजेब की औलादें कहाँ से आ गई वगैरह वगैरह, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया, और उनका मकसद भी यही है। तो पहली बात तो ये है कि क्या हम केवल राजाओं के माध्यम से आज की बात सोचेंगे क्या? क्या हम आज राजाशाही चाहते हैं? क्या हम राजाशाही चाहते हैं या लोकशाही चाहते हैं? पुराने लोगों के योगदान को पूरा पूरा सलाम करना चाहिए, पर जो सिस्टम है वो तो बदलना चाहिए। सिस्टम बदलना चाहिए, नंबर एक, लोकशाही की तरफ, नंबर दो, उस तरफ जहाँ सभी लोगों को बराबरी का इंसाफ मिले, उनकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का मिलना चाहिए, आदिवासी हो या शहर वाला हो, दोनों को बराबर का मिलना चाहिए, उस तरफ हमको जाना है। अब पर ये भी बात मैं मानता हूँ कि आज भारत में मुस्लिम समाज के ऊपर खास तौर से एक विशेष रूप से आक्रमण किया गया है। लोग कहते हैं इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मामला उठाया, ये हिंदू मुस्लिम का मामला ये नहीं है, ये प्योरली एंटी मुस्लिम मामला है। वो बैलेंस करने के लिए बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं है, ये मामला है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करो, उसके आधार पे लोगों को ये कीजिए। और डॉक्टर मिन्ने, मेरे जो दोस्त, उन्होंने बराबर आपको बताया, मेरी भी प्रेरणा, मुझे जो तकलीफ यहीं से हुई कि 6 दिसंबर 1992 को मैं बैठ के अपने टीवी पे देख रहा था बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे, मेरे अंदर तकलीफ हो रही है कि एक 450 साल पुरानी इमारत जो किसने बनवाई होगी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, जो लीगली पूरे हमारे देश की एक धरोहर है, उसको गिराया जा रहा है। और उसके साथ मैं आईआईटी में था, चारों तरफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ चिल्लाने लग गए, बाबर की औलाद, जाओ इधर या उधर, पहचान लीजिएगा, कुछ फिल अप द ब्लैंक्स मैं आपके लिए रख रहा हूँ, पूरी बात मैं नहीं कर रहा, जाओ इधर या उधर। तो मैंने कहा बाबर कहाँ से आ गया, 450 साल पुराना, 600 साल पुरानी बातें, ये कैसे आ गई? और आज के मुसलमानों को एक भावनात्मक लगाव पुराने राजाओं से हो सकता है, पर आज की समस्या के लिए बाबर जिम्मेदार नहीं है, आज की समस्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार नहीं है। और ये जो प्रकार का इन्होंने माहौल खड़ा किया है मुसलमान राजाओं के नकारात्मक पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स को लेकर आज के मुसलमानों को निशाना बनाना, ये सांप्रदायिक राजनीति का पार्ट है। अब कई लोग औरंगजेब को बहुत ख़राब बोलते हैं, मैं आपको सर ईमानदारी की बात बताता हूँ, मैं जनरली इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स लेता हूँ, लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि बताइए भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा कौन है? हर मीटिंग में एक ही जवाब मिलता है, गेस कर सकते हैं आप? उसका उल्टा भी है, मैं पाकिस्तान में भी यही एक्सरसाइज किया, पाकिस्तान भी लेक्चर टूर के लिए गया था, वहाँ मैं सवाल को उल्टा कर देता था, बताइए यहाँ होने वाले राजाओं में सबसे अच्छा, सबसे महान कौन था? वही जवाब। तो ये राजाओं को जो मज़हब के तौर से देखना है वो अपने आप में पूरी तौर से गलत बात है, क्योंकि राजा लोग जो राज्य करते थे वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करते थे। राजा लोग जो राज्य करते थे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता था, ये मैं आपको बता दूं। अभी शिवाजी और औरंगजेब की बात हो रही, तो ख्याल कीजिए शिवाजी और औरंगजेब की कौन सी लड़ाई हुई, कौन से एक लड़ाई के मैदान में से आमने सामने थे? कभी नहीं। औरंगजेब ने जब देखा कि भाई शिवाजी के पिता तो कोई राजा थे नहीं, पर अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, तो औरंगजेब ने अपने फौज को भेजा, और किसको भेजा? फौज का लीडर कौन था? उसका नाम था राजा जयसिंह। हेलो, राजा जयसिंह इधर और शिवाजी महाराज इधर, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? ये तो दो राजाओं का सवाल है। इसके पहले, अभी तो शिवा औरंगजेब को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, इसके पहले अफजल खान इनका बड़ा फेवरेट था, वो अफजल खान सांगली में दंगे भी करवाए थे ना, अफजल खान के पेट में
अफजल खान हरे कपड़े पहना हुआ है, शिवाजी महाराज भगवे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा यार मैं अगर प्रोफेसर होता तो कहीं ये रिसर्च करवाता राजाओं के कपड़ों का रंग क्या था, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो उसके आधार पर उन्होंने कर दिया, एक को हरा कर दिया, एक को भगवा कर दिया, और महाराज एक चाकू से उसके पेट में उसका मर्डर कर रहे, ये भी गलत। असली कहानी क्या है? असली कहानी ये है कि शिवाजी महाराज जा रहे थे अफजल खान को मिलने, तो उनके एक जासूस ने उनको रोका और बोला कि आप बिना हथियार के मत जाओ, अफजल खान का साइज आपसे बड़ा है, हाइट आपसे ज़्यादा है, वो आपको ऐसे ही मर्डर कर सकता है, तो आप ये गुप्त हथियार लेकर जाओ। और उसका नाम था रुस्तमे जमान। मेरे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने गोविंद पानसरे की किताब शिवाजी कौन होता ये बांटी है, बहुत अच्छा है, ऐसे काम हमने करना चाहिए कि जहाँ शिवाजी महाराज की भी सच्चाई को लाना चाहिए। अब आज मस्जिदें गिराई गई, एक मस्जिद गिराई गई और मस्जिदों की लिस्ट है, एक मस्जिद पर अभी कब्जा करने की कोशिश की, पर आपको पता है शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में जहाँ भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया उसी के पड़ोस में मस्जिद बनवाई। और शिवाजी महाराज एक सूफी संत का बहुत आदर करते थे जिनका नाम था हजरत बाबा, हजरत बाबा को नियमित रूप से वो देते थे। और शिवाजी का आदर्श और ये लोगों का पॉलिटिक्स में कोई समानता नहीं है। शिवाजी महाराज की फौजें जब इवन सूरत पे लूटमार करने गई थी, याद रखिए सभी फौजें लूटमार करती थी, किसी राजा का अपमान नहीं है इसमें, शिवाजी महाराज की फौजें सूरत पे लूटमार करने गई थी तो अपनी फौजों को तो वो इंस्ट्रक्शन देते थे अगर लूटमार करते समय आपके हाथ में किसी दूसरे धर्म की पवित्र पुस्तक आई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसके मानने वाले को दे दो। तो आज के ये लोग कहाँ जो मजहब के नाम पे राजनीति करते हैं, और वो लोग कहाँ जो मजहब को मानते हैं। इसका फर्क कीजिए, मजहब को मानना मजहब के रास्ते पर चलना एक बात है, और मजहब के नाम पे सियासत करना मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करना वो दूसरी बात है। आज हम इसी बात को देख रहे हैं। खैर अब ये राजाओं का जो दरबार ये सब है इसको भी आप देख लीजिए। एक तरह से उत्तर भारत में राणा प्रताप को बहुत राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में रखा जा रहा है, महाराणा प्रताप एज ए सिंबल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। मुझे बहुत ये शंका होती है, राजा लोग कभी भी आज के राष्ट्र का सिंबल नहीं हो सकते। आज के सिंबल वही हो सकते हैं जिन्होंने जंगे आज़ादी में भाग लिया। आज के सिंबल वही हो सकते हैं जो भगत सिंह से लेके अशफाक उल्ला से लेके मौलाना आज़ाद से लेके महात्मा गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू, ये हमारे आज के सिंबल हो सकते हैं। राजाओं को हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक मानना ये अपने आप में गलत बात है, क्योंकि भारत जो बना वो आज़ादी जंगे आज़ादी से बना। इसके पहले जो यहाँ लोग थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग क्षेत्र थे, उनकी अलग अलग प्रकार से लड़ाइयाँ होती रहती थी, उसके आधार पर हमको नहीं चलना। तो ये आज जो नफरत की राजनीति है, क्योंकि अभी हमारी मैडम हमको बता रही थी, ज़्यादा फोकस मैं इस बात पे करूँ कि आगे क्या करें, पर थोड़ा मैं 10-15 मिनट में एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आज ये समस्या खड़ी क्यों हुई। ये समस्या धर्म की है, हिंदू मुसलमान की है, या ये समस्या एक धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति की है, उसको मैं थोड़ा आपसे पहचान कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि भारत में राजाशाही थी, बाद में अंग्रेज लोग यहाँ आए। आप बुरा ना माने तो मैं, क्योंकि इन्होंने बताया ना मैं IIT में प्रोफेसर भी था, तो आदत लगती है, लगता है लोगों से सवाल पूछते रहो, तो अगर बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ लूँ, भारत को आज़ादी कब मिली? गलत जवाब भी चलता है, कुछ जवाब तो दीजिए। 15 अगस्त 1900। चलिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बड़ी एक्टर अभी बोलती रहती है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली, इसलिए मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ। खैर एनीवे, अब सवाल यह है, देश की गुलामी कब होती है? देश की गुलामी तब होती है जब कोई यहाँ का शासक यहाँ की संपत्ति को लूट कर विदेश ले जाए, जब यहाँ के शासक इंस्ट्रक्शन बाहर से आए। अब बाबर को आप नफरत करते हो, औरंगजेब से नफरत करते हो, बताइए बाबर यहाँ की संपत्ति बाहर ले गया? नहीं ले गया। औरंगजेब ने यहाँ की संपत्ति बाहर भेजी? नहीं ले भेजी। संपत्ति भेजी बाहर किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने केवल कोहिनूर हीरा नहीं ले गए, वो हमारी इतनी चीज़ें ले गए कि यहाँ अकाल पड़ने लग गए। हमारा जो GDP था औरंगजेब के समय, भारत का कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल GDP 24% था,
और जब अंग्रेज यहां से गए तो भारत का कंट्रीब्यूशन रह गया 4%। कैसे हुआ? संपत्ति को लूटकर वो ले गए। अब इसी बीच में एक और बड़ा टप्पा आता है, अंग्रेज आए और यहां भारत के लोगों ने उनके खिलाफ क्रांति की, किसानों की हालत खराब हुई, टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया, यहां के रियासत के राजाओं की कई हालत खराब हुई, तो लोगों ने क्रांति की। और ये क्रांति के बारे में फिर से आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 1857 की क्रांति, बताइए 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? पहला व्यक्ति मंगल पांडे, वेरी गुड। और इसकी इसका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, राइट रॉन्ग? अंग्रेजों को लगा अगर इनकी ऐसी एकता रही सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, तो हमारा शासन नहीं चल पाएगा, तो कौन सी नीति लगाएंगे? वो डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के लिए उन्होंने देखा एक तरफ हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत सारे डिविजन है, और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है। ये उनको डिवीजन का पॉइंट मिला और उन्होंने इतिहास की किताबें लिखवाई, स्पॉन्सर की, इतिहासकारों को पैसे दिए, ऐसा इतिहास लिखाओ कि लोगों में बंटवारा हो। और उसलिए उन्होंने जेम्स मिल की किताब 1818 में आई, उसने कहा पहले हिंदू पीरियड था, फिर मुस्लिम पीरियड था, अभी ब्रिटिश पीरियड आ गया। इसकी आप चालाकी समझ रहे? हिंदू पीरियड, कभी कोई पूरा हिंदू पीरियड नहीं था। अब हिंदुओं में भी अलग अलग सेक्ट है, कोई मौर्य है, कोई नंद है, कोई ये है, कोई वो है, उसको उन्होंने हिंदू पीरियड कर दिया। फिर मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम युग आ गया, उसमें गजनवी थे, गुलाम थे, खिलजी थे, मुगल थे, और खुद को क्रिश्चियन नहीं कह रहे, खुद को क्या कह रहे? ब्रिटिश। अब यहां से उन्होंने राजाओं को राज्य सत्ता के बदले उनको उन्होंने कर दिया धर्म का प्रतिनिधि। याद रखिए दोस्तों, राजा लोग धर्म के प्रतिनिधि नहीं होते। मैं उस बात को मानता हूं जहां धर्म का प्रतिनिधि एक संत होता है, वो निजामुद्दीन औलिया हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, कबीर हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, या नरसिंह मेहता। अभी अभी वो वारी निकली थी ना, वारी में मुझे पहले लगता था हिंदू लोग होते होंगे, पर मैंने देखा वहां शेख मोहम्मद के मानने वाले बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ये भारत है जहां एक दूसरे की परंपरा में कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, ये हमारी परंपरा का बहुत बड़ा भाग था। खैर, अब उसको अंग्रेजों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, तो एक दूसरी बात भी हुई 1857 के बाद। एक बात याद रखिए, अंग्रेजों ने इसका पूरा दोष मुसलमानों पे डाला, और उसके बाद ज़्यादातर मुसलमान जो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उनको फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया, उनको लटकाकर दिल्ली से लेकर मेरठ तक के जो झाड़ थे उन झाड़ों पर उनको लटकाया। और यहाँ से कम्युनिटी में एक डर हुआ। इस डर की प्रक्रिया को दूर करने के लिए फिर सर सैयद अहमद, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के पे जोर दिया, फिर बाद में और प्रोसेसेस भी चालू हुई। अब यहाँ मैं थोड़ा से मैं आपको बता दूँ कि इंडियन नेशनलिज्म कहाँ से आया और आज जो धर्म के नाम की राजनीति वो कहाँ से आई। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अंग्रेजों के आने के बाद मैंने बताया उन्होंने कितना शोषण किया, पर ये भी बता दूं कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ कुछ परिवर्तन भी आए जो काफ़ी अच्छे भी थे। रेलवेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था, ये सब चीज़ें भी आई। और यहाँ मैंने अभी अभी पढ़ा कि 1857 के बाद ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई, यानी एजुकेशन की भी एक अच्छी शुरुआत हुई जो बाद में चलकर ज़्यादा मजबूत हुई। तो एक तरफ ये प्रक्रियाओं से नए प्रकार के लोग आए और इसमें से इंडियन नेशनलिज्म निकला। ये नए प्रकार के लोग कौन थे? पहले व्यापारी, उद्योगपति, टाटा बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने लग गए, तो दूसरा मजदूर वर्ग आया। और तीसरे जो वर्ग थे आधुनिक शिक्षित वर्ग, ये तीन वर्ग आए और ये तीनों में से ही भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या हुआ, पुराने जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे वो कोई ख़त्म नहीं हुए, वो भी अपने चलते रहे, तो इनका पावर कम होने लग गया। अब इनका जब पावर कम होने लग गया तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पावर कम हो रहा है, इन्होंने कहा हमारा धर्म संकट में है, मजहब संकट में है,
याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी संकट में नहीं होता, मजहब कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में होती है कुछ लोगों की सत्ता, जिसको छुपाने के लिए वो मजहब के कपड़े पहनते हैं। और इन लोगों को खतरा लगने का दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उनके गुलाम थे ज़मीन पे काम करने वाले, वो अब शहरों में जाके काम कर रहे हैं। और जो औरतों की गुलामी थी उसको तोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने, फातिमा शेख जैसे लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल चालू किए। अब ये थोड़ा मुझे दुख भी होता है कि ऑडियंस में महिलाएं कम हैं, फिर भी मैं इस बात को कहूँगा कि लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। और एक मजाक की बात आपको कह दूं, जब फातिमा शेख, सुनाई दे रहे ना बराबर, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो वो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? फिर वो कपड़े का एक्स्ट्रा साड़ी क्यों लेकर जाती थी? क्योंकि उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंका जाता था कि आप हमारे मजहब के खिलाफ काम कर रहे हो, तो इसलिए बेचारियों को साड़ी ले जाना पड़ता। ऐसा अपने ऐसा गलत मत समझिएगा कि अपने प्रधानमंत्री जैसे भी वो चार चार घंटे पे कपड़े बदलते रहते थे, नए से नए कपड़े पहनते थे, डोंट वरी बट ठीक है। अब ये चीज़ें जब हुई तो यहाँ के लोगों को बहुत डर लगा और उन्होंने कुछ संगठन बनाए। पहले इधर संगठन बने और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म के आधार पे नहीं था, याद रखिए। पहला संगठन जो बना नेशनल इसका, उसके पहले छोटे छोटे संगठन बने। नेशनल लेवल पे ये जो संगठन बना वो उसमें धर्म का नाम नहीं था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी और जमशेद टाटा और ये सब, डब्ल्यू सी बैनर्जी। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, नो प्रॉब्लम। अब तो इधर जो इधर के लोगों में से तीन संगठन बने, केवल रिप्रेजेंटेटिव बता देता हूँ। एक उन लोगों के बने जो क्रांति में विश्वास रखते थे, शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, और इनके संगठन का नाम जरा याद रखिए, वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दूसरा, इसी तरफ से ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्हीं की परंपरा में आगे सबसे महान आए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और आखिर में जाके उन्होंने एक पार्टी की रूपरेखा रखी जो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा इधर से जो ऑर्गेनाइजेशन रखा, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा, उसमें कौन थे? नंबर एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नंबर दो एनी बेसेंट, नंबर तीन सरदार बलदेव सिंह, नंबर चार मोहनदास करमचंद गांधी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच, नाम क्लियर हो गए। अब इधर के लोग, ढाका के नवाब और काशी के राजा शिव प्रसाद, गहरे दोस्त, उन्होंने बोला ये क्या संगठन बन रहा है, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने वहाँ से अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए बताने के लिए एक दूसरा संगठन बनाया, वो था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन बाद में जाकर दो टुकड़ों में बट गया, एक तरफ था मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा। और हिंदू मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक संगठन बना 1985 में, उसका नाम भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। 1925 में, जो लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस, और इधर देखिए नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या फर्क दिखता है आपको? इधर के नामों में सब लोगों को ले चलने की बात है, धर्म का नाम नहीं है। धर्म का आदर है, धर्म का आदर है, पर धर्म का नाम नहीं है। इसी संगठन में एक तरफ मैं कहता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक तरफ मैं कहता हूँ मोहनदास करमचंद गांधी, और उनके दो छोटे छोटे इंटरव्यू आपके सामने रख देता हूँ। आज मैं पत्रकारों को बहुत मिला तो मेरे पे असर हो गया, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं भी पत्रकार बन जाता हूँ, इतिहास में चला जाता हूँ। पहला इंटरव्यू मेरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ है। मैं पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब कहते हैं, बरखुरदार, मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और मुस्लिम लीग इसको बांटने की बात करता है, इसलिए मैं मुस्लिम लीग में कभी
जा नहीं सकता। गांधी के पास जाता हूँ, बोलता बापू आप हिंदू हैं कि नहीं, तो नाराज हो जाते मेरे से। बोलते हैं मैं सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। क्या कहा उन्होंने? जान दे सकता हूँ। आज क्या हो रहा है? लोग जान दे रहे या ले रहे? दे रहे। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जिस राज्य सत्ता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राज्य सत्ता ना आपके ना मेरे धर्म द्वारा चलेगी। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और उनके राइट्स का ख्याल रखना। धर्म का काम होगा उनको नैतिक मॉरल रास्ता दिखाना। तो ये हो गया एक प्रकार का राष्ट्रवाद, जिसके आधार पर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया। और आज़ादी, भारतीय संविधान आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को लेकर बना है। ये हवा में से नहीं आया, बाबा साहब ने इन्हीं मूल्यों को लेकर भारतीय संविधान बनाया, जिसको लेकर आज, जिसको बचाने की ज़रूरत आज पहले से बहुत ज़्यादा आ पड़ी है। अब इन लोगों ने क्या किया? शुरू में इसमें राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, बाद में कुछ बड़े पढ़े लिखे लग मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास उसमें शामिल हो गए, और इसमें भी तीन संगठन बने। पहले संगठन का नाम मैं लीडर का नाम लेता हूँ, जरा संगठन का नाम आप बताते जाइए। लीडर का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है ठीक है। फिर वो अपने जो वो बार बार माफ़ी मांगने वाले थे, क्या नाम था उनका? हाँ वो छूट गया। कौन सा संगठन बनाया ज्वाइन ने 1936 में? हिंदू महासभा। और उसके नाम उसको हिंदू राष्ट्र को लेकर RSS बना। तो क्लियर ये है कि ये लोग धर्म के नाम पर पुरानी वैल्यूज़ को चालू रखना चाहते हैं। ये सब कहाँ से निकले हैं? राजाओं से, नवाबों से, जमींदारों से, जागीरदारों से। और ये कहाँ से निकले हैं? ये निकले हैं नए वर्गों से, शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, शिक्षित महिलाएं, शिक्षित मजदूर, इनसे निकले हैं। ये दो फर्क है। इसलिए इधर के लोगों ने आधुनिक भारत के बनने में पूरा योगदान दिया, पूरा योगदान, 100% योगदान इन्होंने दिया। भगत सिंह ने देश में जोश भरा, आज़ादी चाहिए, मैं उसके लिए फांसी क्या, मुझे आप फायरिंग स्क्वाड के सामने रख दो। याद है आपको? भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा क्यों मुझे फांसी दे रहे हो, मैं तो क्रांतिकारी हूं, आपका विरोधी हो, फायरिंग स्क्वाड के सामने मेरे को आप मरवा दो। ये देश के नौजवानों के लिए एक मैसेज रहेगा जो उनको प्रेरणा देगा। अब इन्होंने आजादी के आंदोलन के, भगत सिंह आजादी की बात करते हैं, बाबा साहेब बराबरी की बात करते हैं, समता, गौतम बुद्ध से लेकर जो चला आ रहा है सिद्धांत, कबीर के माध्यम से बाबा साहब के इसमें आया समता। और तीसरी बात गांधी ने सबसे अच्छी रखी मौलाना आजाद के साथ में, वो था फ्रेटर्निटी, बंधुता। जब तक हमारे में आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, करुणा नहीं है, देश नहीं बन सकता। और ये बात इन दो महान पुरुषों ने हमारे सामने रखी। तो ये लोगों ने आधुनिक भारत बनाया, और ये लोग तब तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करते रहे। कभी अंग्रेजों ने उनको पनिश नहीं किया, ना इन्होंने उनको ये किया। अब सवाल ये आता है कि थोड़ा सा इसको, इनको लेना ज़रूरी है, लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम का इनको मुकाबला करके इनको कचरे के डब्बे में फेंक सकें। कचरे के डब्बे में क्या फेंकते हैं? उनके विचार, वो विचार जो आज देश को बांट रहे हैं। और यहां मैं आगे आने के पहले एक मोटी बात आपको बता देता हूं। आज दुनिया की थोड़ी बात देख लीजिए, पास पड़ोस में देख लीजिए, जहां भी मजहब के नाम की सियासत होती है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की की हुई हो तो तरक्की पीछे आ जाती है। पाकिस्तान किसके नाम पे बना? इस्लाम के नाम पे बना। क्या हालत है उसकी? आटा 150 रुपए किलो, डॉलर 250 रुपए का। खैर अपने आप ही प्रॉमिस किया गया था कि डॉलर 1 रुपए के बराबर कर देंगे, वो कभी पूरा नहीं होगा, वो भी डॉलर अपने आप ही महंगा हो गया। पेट्रोल वहां देखने को नहीं मिलता, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। और मुझे लाइफ का एक सरप्राइज तब मिला जब मैं पिछले साल श्रीलंका का स्टडी किया। श्रीलंका में आपको याद होगा उठा हुआ, लोगों ने जाके प्रेसिडेंट के घर को घेर लिया, क्योंकि वहां भी ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, ना चीजें मिल रही है। मैंने स्टडी किया तो पता चला श्रीलंका में सिंहला लोग जो राजनीति कर रहे हैं बौद्ध धर्म के आवरण में कर रहे हैं। बौद्ध धर्म मेरे यहां है, बौद्ध धर्म की समता मानवता मेरे यहां है, पर बौद्ध धर्म के नाम की जो राजनीति है उसने श्रीलंका में हिंदुओं का सबसे बड़ा कत्लेआम कराया,
म्यांमार में रोहिंग्या और ये सब सब उसी के इस दौरान हुआ। सवाल यह है, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है अपने मजहब पे चलना और देश के संविधान को मानना, इस बात का आधार है। अब हुआ ये कि इधर के जो लोग थे उसमें आखिर में जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख आया और आज़ादी के बाद का मैंने एक फार्मूला बनाया। खैर मैं कोई बड़ा सोशल साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, इसलिए वो फार्मूला ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। आज़ादी के बाद के पीरियड को मैं कहता हूँ अंबेडकर नेहरू क्रांति। क्या है अंबेडकर नेहरू क्रांति? अंबेडकर का संविधान, नेहरू का आधुनिक भारत की नींव रखना, यूनिवर्सिटीज, IITs, CSIR, इसरो का पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था, पब्लिक सेक्टर, फर्टिलाइजर, क्या नहीं किया जिसके कारण दलितों को नौकरी मिली, स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा आई, तो ये क्रांति थी। अब इधर के लोगों ने, पहले अभी का बता देता हूँ फिर पीछे जाऊंगा, इधर के लोगों ने देखा 1980 तक, अरे दलित सामने आ रहे हैं, औरतें शिक्षित हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला ये गड़बड़ है। और फिर वो शाहबानो के नाम पर एक मुद्दा आया, मंडल कमीशन आया, तो उन्होंने बोला मंडल आ गया, बहुत हो गया, अब कमंडल निकालना पड़ेगा। कमंडल कैसे निकला? सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी मस्जिद को तोड़ेंगे, दंगे करवाएंगे और अपने पॉलिटिक्स में आएंगे। याद रखिए, जो पार्टी पहले दो MP नहीं थे जिसके 1984 में, 1992 के बाद उनकी संख्या बढ़ती गई। एम आई राइट और रॉन्ग? ग्राफ निकालिए कोई आप में से साइंस का स्टूडेंट है तो। दंगों का बढ़ना और उस पार्टी का बढ़ना, इट रन्स पैरेलल, समांतर चलता है। ज्यादा दंगे होंगे, ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, धर्म मजहब के नाम की पार्टी ज्यादा पावरफुल होगी, ये उनका ये था। अब ये मजबूत कैसे हुए, इसके लिए थोड़ा पीछे आता हूं और उनके मुद्दे भी जरा देख ले, एक बार मुद्दे देख लेते फिर उनका मैकेनिज्म पे आता हूं। मुद्दे देख लीजिए, नेहरू का मुद्दा क्या था? आज तो मैं सवेरे बहुत अच्छा था एक अंबेडकर पे लेक्चर, उन्होंने बोला मजदूरों के काम के घंटे कम करो, महिलाओं को सुरक्षा दो, ये सब मिनिस्टर के रूप में उन्होंने किया और नेहरू ने एक प्रकार की चीज़ की और लोगों के एम्प्लॉयमेंट चीज़ों के आधार बनाया। इन लोगों ने कौन से मुद्दे उठाए? पहला मंदिर का उठाया, देख लिया आपने। फिर कौन सा मुद्दा उठाया? गौ हमारी, मुसलमान उसको नॉट नेसेसरी बट खाता है इसलिए मुसलमान का, राम नाम, 100 लोगों की लिंचिंग की गई, 10 दलित भी मारे गए, 4 ऊना में उन पे आक्रमण भी हुए। अब मैं एक ही उदाहरण, ये थोड़ा मजेदार उदाहरण है इसलिए दे रहा हूं, आपको एक ही बात बता दूं, इनको गाय से कोई मोहब्बत नहीं है। जहां भी बीजेपी सरकार ने गौशालाएं खोली, बहुत सारी गाय भूख से, कीचड़ से डूबकर, गोबर में डूबकर मर गई। मैं बड़ा परेशान था, यार ये क्या गाय का मुद्दा लेके बैठे हो? तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो, स्वामी जी उसमें लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। फिर मेरे बत्ती चमकी और मेरा आंसर मुझे जो मिला वो मिला एक, वो प्राइम मिनिस्टर की, मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, एक प्राइम मिनिस्टर अपने थे ना जो कविता लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा। पेज 236 पे आया, विजय त्रिवेदी के लिखी हुए, पेज 236 पे आया तो वहाँ लिखा हुआ था, एक बार अटल जी अमेरिका गए, लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद खाने का आनंद उठा रहे थे, उनके पड़ोस में जो बैठे थे उन्होंने थपथपाया, अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है, गाय का मांस है। अटल जी हंस दिए, बोले गाय का मांस क्या है, हुआ तो क्या है, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का, नो प्रॉब्लम। तो मुझे समझ गया अभी ये मामला बहुत टेढ़ा मामला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तब एक तरफ ये और दूसरी तरफ जो जिस RSS का मैं मजाक अच्छे से उड़ा सकता हूँ, वर्णन अच्छे से कर सकता हूँ, उसका मुकाबला करना उतना ही मुश्किल है। क्या किया इन्होंने? आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे, शाखा लगाते रहे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 4 हफ्ता, साल में 12 महीना ट्रेनिंग किया। ये इधर ये मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, हिंदुओं पे अत्याचार किए, इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया, 4 बीवियां 20 बच्चे। अब ये 4 बीवियां 20 बच्चों का थोड़ा आपको बता दूं, डॉक्टर SY कुरैशी की किताब है, कभी पढ़िएगा,
उसमें बराबर दिया है कि मुसलमानों की रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन गिर रहा है और 15-20 साल में वो स्टेबिलाइज हो जाएगा, वो भी कोई ज़्यादा बढ़ नहीं। पर उसमें एक मज़ेदार किस्सा बता देता हूँ। एक बार मैं ऐसी मीटिंग में गया तो मैं जनरल सवाल पूछा लोगों से कि भाई बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते। तो एक दोस्त बैठे थे, वह तिलक लगा हुआ था, बहुत दुखी, हताश, निराश दिख रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया यार? वो खड़े हो गए, उनको देख के मेरे को थोड़ा डिप्रेशन आ गया। मैंने बोले क्या बात है यार? बोले देखो ना, हम हिंदुओं के मेजॉरिटी देश में, हम हिंदू कितने असहाय, हेल्पलेस है। मैंने कहा क्या हो गया यार? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, केवल एक ही बीवी, दो ही बच्चे, और मुसलमानों का देखो क्या मजा ही मजा है, चार चार बीवियां, 20-20 बच्चे। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा बाबा चार बीवियां होना मजा होता है कि सजा होता है, आई डोंट नो, पर हो सकती है कि नहीं वो अपन देखो, स्टैटिस्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेक्स रेशियो भारत में 940 के ऊपर कभी होता ही नहीं है। ठीक है, एनीवे, तो ये जो सब चीज़ें हैं शाखाओं में लगातार पढ़ाई गई, शिशु मंदिरों में, सरस्वती शिशु मंदिरों में लगातार पढ़ाई गई, और उसके बाद 1978 में जनता पार्टी आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो अपने वो रथ यात्री कौन, अडवाणी, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिनिस्टर बने, उन्होंने मीडिया को खाकी चड्डी वालों से भरना चालू कर दिया, शुरुआत वहाँ हुई, और उसका इंक्रीज हुआ 1990 के दशक, 1995 के बाद, 1998 के बाद, और 2014 के बाद 100%। तो शाखा का प्रचार है, शिशु मंदिर का है, सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसी के चलते लोगों की जो सोच है, सोच सामान्य सामाजिक सोच, वो ऐसी हो गई है मुसलमानों के खिलाफ, जिसका कोई ना उसमें सच्चाई है ना कोई उसकी लिमिट है। किसी भी चीज़ को देख लो, तो एक तो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, रोज कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। अरे बोले टमाटर महंगे हो गए मुसलमानों के कारण, ये कोविड आया वो तबलीगी जमात की मीटिंग थी उसके कारण, वो ट्रंप आया 2 लाख लोगों को लेकर उसके कारण नहीं हुआ, जब वो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे ना अपने प्रधानमंत्री, उसमें कुछ नहीं हुआ। बोले ये तबलीगी जमात वाले 200 लोग आए ना, वो कोविड लेके आए। कमाल है, नफरत फैलाने की भी लिमिट होती है, और वो ये जो चीज़ है, ये आज मैं इसलिए समस्या पर हल के आने के पहले, और सवाल जवाब हम करेंगे, इतना आपको बता दूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है नफरत की। नफरत के आधार पे ही ये सियासत मजबूत होती है। इसलिए 4 स्टेप्स देख लीजिए, और ये मैंने कैसे इसको समझने में, एक बड़ी मंत्री ने मेरा हेल्प किया था, वो एक अपनी MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी बहू वाली थी, हाँ, तो लोग उसको बोल रहे थे ये बहुत कम पढ़ी लिखी है। तो उसने गुस्से में जनरली करती है ना, कभी कभी गुस्से में आती है वो, जब गैस सिलेंडर महंगा हो तब नहीं गुस्से में आती, पर बाकी समय गुस्से में आती है। तो गुस्से में बोली देखो आप मेरे को कम पढ़े लिखा बोलते, मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया, और पता चला येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया जो मेरे गुरु असगर अली इंजीनियर के रिसर्च से बहुत मिलता जुलता था। वो रिसर्च क्या था? वो रिसर्च था जहाँ भी दंगे, नंबर एक, दंगे ऑटोमेटिक नहीं होते, दंगे होते हैं, करवाए जाते हैं। दंगे कौन करवाएगा? जिससे उसको फायदा होगा। शर्लॉक होम्स बोलते हैं, मर्डर कौन करेगा? जिससे उसको फायदा होगा। वैसे वो अपना सक्सेसफुल करियर बनाया उन्होंने, मर्डर के सीन पे जाते थे, देखते मर्डर से फायदा किसको होगा, बस ये मर्डरर है। दंगों से फायदा किसको हुआ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तब ये दंगे कैसे, दंगे भी होते नहीं है, करवाए जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब तक समाज में नफरत नहीं है दंगे नहीं करवाए जा सकते। दंगे करवाने के पहले नफरत का जो बीज है वो पुराने 95 साल से चल रहा है, और उसमें सब चीज़ें मैंने बताई हैं। मैं उसके बारे में आपको और भी रेफरेंसेस दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या है? गलत प्रचार, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। अभी क्रिश्चियंस को भी मत छोड़िए, और इनके पॉलिटिक्स के 2 भाग बता दूं। हमारे पहले के वक्ता ने बहुत अच्छे से कई चीज़ों को बताया, बता दूं कि इस पार्टी जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है वो 2 पैर पे चलती है। एक पैर क्रिश्चियन और मुसलमानों को विदेशी बताना, भले ही उनके लीडर लोग और वो बर्थडे के दिन केक काटेंगे,
भारतीय संस्कृति की बात करेंगे और केक जरूर काटेंगे। खैर एनी वे वो जरूर है, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग बिरयानी को बड़े शौक से खाएंगे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई। पर ये जो इनकी राजनीति का मुख्य ढर्रा है वो सबसे पहले शाखाओं में, ये मेरा खुद का भी अनुभव है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैलाना एक एक चीज़ को लेकर, इसको कहते हैं मिसकंसेप्शंस, मिथक। मिथक के आधार पे नफरत, नफरत के कारण दंगे फैलाए जाते हैं, दंगे फैलाने के कारण समाज में ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण के बाद वो पार्टी पावर में मजबूत होती है। तो इसका हमको पूरा उल्टा करना है, उल्टा ऐसा करना है, इसके जो पिरामिड के नीचे क्या है, पिरामिड के नीचे है गलत धारणाएं। मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं। अब बताइए, पहले कोई यूनाइटेड नेशंस था क्या, देश की बाउंड्रीज थी क्या, अलेक्जेंडर को किसी ने आने को रोका था क्या, ग्रीक को किसी ने आने को रोका था, हूण को आने को किसी ने रोका था क्या, आर्यों को आने को किसी ने रोका था, आर्य भी आए थे, प्रॉब्लम क्या है, सबे भूमि गोपाल की। ये देश की बाउंड्रीज तो अभी अभी बनी है, 200-300 साल पहले यूनाइटेड नेशंस पर 60-70 साल पहले आया है, जहां हम बोलते हैं ये हमारा पार्ट। चाइना के बारे में नहीं बोलने का, क्योंकि चाइना ऑक्यूपाई करे तो हम चुप रहने का, पर पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी किया था, पाकिस्तान मुसलमान, क्योंकि वो इक्वेशन हमने बिठा दिया, पर चाइना के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, गलत बात है। खैर, तो ये देश की बाउंड्रीज को, इसमें मुसलमान, इसको क्रिश्चियन को विदेशी कहना, और मैंने एंटी क्रिश्चियन वायलेंस का भी उतना ही स्टडी किया है जितना एंटी मुस्लिम वायलेंस का मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली बात, मेरा निवेदन यह है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके सबके दिमाग में क्लियर होगा, ये समस्या पिछले 9 साल में पहले से 5 गुना बढ़ गई है। एम आई राइट और रॉन्ग? और ये जो समस्या बढ़ गई है सरकारी एजेंसीज में, सरकारी ईडी हो, ये हो, जुडिशरी का बड़ा हिस्सा हो, जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे देता है पार्लियामेंट में स्पीच के लिए, ये सब के बीच में कई घुसपैठ बहुत मजबूत है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा, इसको कहते हैं डीप स्टेट। अभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर देखिए, क्या क्वालिफिकेशन है वाइस चांसलर बनने की, क्या क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की, आपकी विचारधारा क्या है, क्या आप नमस्ते सदावस्तले में मानते हैं, आ जाओ, नहीं मानते बाहर। तो इसलिए केरल में अपने भाई साहब एक हैं, केरल के गवर्नर, वो भी उसी प्रकार के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। एक समय में हमारी दोस्ती भी थी, हमने बाद में देखा भैया ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इनको छोड़ो। तो ये सब जो घुसपैठ है, तो एक तो है अभी लास्ट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। 8-10 महीने पहले तक मुझे ना उम्मीदगी पूरी थी, 100% तक ना उम्मीदगी में आ गया था। मैं किसी पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, लिख के दे रहा हूं, किसी पार्टी में कभी नहीं था, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। पर 8-10 महीने पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और उसमें मैंने जो लोगों का रिस्पांस देखा, और जिस प्रकार के मुद्दों को उठाया गया, क्या मुद्दे उठाए गए, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासियों की समस्या, और भारत जोड़ो, जोड़ो का मतलब जो हमारे धर्म के नाम पे दीवारें खड़ी की गई हैं, उन नफरत की दीवारों को तोड़ के मोहब्बत के पुल बनाओ, उनका एक दूसरा वाक्य है, ये मेरा वाक्य है, नफरत की दीवारों को खड़ा किया गया, वो दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाओ। अब आने वाले चुनाव में फिर से आ गया है वो इंडिया का मामला, इंडिया, अब मैं दूसरे अर्थ में बोल रहा हूं, तो याद रखिए, इंडिया जीत, इंडिया अगर आ गया तो भारत बचेगा, इंडिया नहीं आया तो फिर अगली बार कब मीटिंग होगी मुझे पता नहीं है, वैसे भी मेरी उम्र 77-78 हो रही है तो मुझे कुछ ज़्यादा होप नहीं है, पर अगर इंडिया नहीं जीता तो समस्या तो होगी। एक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, एज ए ग्रुप, वो सोचिए कि इंडिया मस्ट विन। क्रिकेट मैच के समय हम करते हैं, वो इस बार चुनाव के समय करने की ज़रूरत है, एक। और दूसरा ये है कि समाज में जो नफरत फैले ये है, उसके लिए क्या किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं, इसको तोड़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिंबॉलिक हैं, पर उनको मजबूत करना चाहिए। मैं बचपन में, हमारे यहाँ दिवाली होती थी, होली होती थी, ईद, क्रिसमस, बिना धर्म की दीवारों के। त्यौहार के दो भाग होते हैं, एक धार्मिक पार्ट, वो आप अपने अपने धर्म वाला करेगा, एक सामाजिक पार्ट,
सामाजिक पार्ट सब लोग मिलके करते थे, उसको फिर से रिवाइव करने की, जिंदा करने की जरूरत है, और ये मिलने की बहुत, ये करने की बहुत ज़रूरत है। ये कैसा किया जाए ये मुझे नहीं मालूम, पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरी पत्नी ने 3-4 साल तक किया था, 94-95-96 में जब हम लोग IIT में थे, तो काफ़ी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोगों की फीलिंग्स भी बहुत बढ़ती हैं। दूसरा एक कल्पना ये है कि सोशल लेवल पर हमारे जो मूवमेंट्स हैं, वो नर्मदा बचाओ का आंदोलन हो, पर्यावरण बचाओ का आंदोलन हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, वो आंदोलनों को हमने अपने अपने तरीके से मदद करना चाहिए। सभी लोग झोला उठा के तो चल नहीं सकते। आप बिजनेस में हैं, आप अलग तरीके से हेल्प कीजिए, आप प्रोफेसर हैं, आप अलग तरीके से हेल्प कीजिए, पर ये सोशल मूवमेंट्स हैं, यही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, इस बात को विश्वास रखिएगा। अगर कहेगा कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ पता है, वही सब फैसले लेगा, नोटबंदी का फैसला भी है वही लेगा, लॉकडाउन का भी फैसला ले देगा, वो देखिए वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और हमारे पिछले 9 साल के इंडेक्स कहते हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचार, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उसकी तो बात ही, आज तो शर्म से हमारा सिर डूब जाना चाहिए, जिस प्रकार का हमने मणिपुर में देखा उस, और उसको अभी डाइल्यूट करने के लिए, मणिपुर में होने वाली हिंसा से मैं जितना शर्मिंदा हूं, उससे ज्यादा शर्मिंदा उन लोगों के एटीट्यूड से हुए जो अभी बयान दे रहे हैं कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, वेस्ट बंगाल में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, राजस्थान में भी, ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। खैर, तो ये जो मुद्दे हैं, इन आंदोलनों को समर्थन करना, ये हमारा, अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं, इसके सिवा लोकतंत्र जिंदा नहीं रख सकता। तीसरी बात, कम्युनिटीज़ के बीच में ब्रिजेस बनाना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, घेटो बन गए हमारे बम्बई में, मुमरा, जोगेश्वरी, भेंडी बाजार, पूरा एक्सक्लूसिवली मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है। क्या बम्बई में दंगे हुए, लोगों को इधर उधर से डर लगा, तो भाई अपन सीकर कहाँ है, मुमरा में, चलो जाके मुमरा में रहते हैं, चलो जाके भिंडी बाजार में रहते हैं। तो ये मैं दोष किसी को दोष देता हूँ, सांप्रदायिक राजनीति को, मैं धर्म को दोष नहीं देता। अगर महात्मा गांधी हिंदू होकर सबको साथ में ले चल सकते हैं, तो विश्वास कीजिए हिंदू धर्म का बहुत अच्छा वर्जन है, हिंदू संस्कृति में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वसुधैव कुटुंबकम की लोग बात करते हैं, पर उसको पालन करने वाले लोग भी कई कई निकलते हैं। तो एक, कम्युनिटीज़ के बीच में ब्रिजेस बनाना। तीसरा एक जो हम लोग कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स। कम्युनिटी सेंटर से मेरा क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ पर मेरा, मुझे पता नहीं ये कैसे हो सकते हैं कि नहीं। कम्युनिटी सेंटर का सीधा सीधा मतलब है, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार हम लोग ग्रुप में मिले, सामाजिक मुद्दों की बात करें, निगेटिव बात ना करें, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, समाज को जोड़ा कैसे जा सकता है। और इतनी निराशा के दौर में भी एक अच्छी बात मुझे दिखती है, वो बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकार, सोशल साइंटिस्ट, इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, वर्ल्ड लेवल। रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, हरबंस मुखिया हो, शर्मा हो, एक्सीलेंट। वो चीज़ों को लेकर समाज तक ले जाने की कोशिश, उसमें मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैंने भी ये करने की कोशिश की है, सॉरी मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि कुछ फिल्मों का आयोजन होना चाहिए, फिल्में, अभी पता नहीं आप में से कितने लोग आनंद पटवर्धन का नाम जानते हैं, मेरे अजीज दोस्त, और उनकी जो फिल्में हैं, राम के नाम बाबरी मस्जिद पे बनी थी, फिर फादर सन एंड द होली वॉर वो पैट्रियार्कल सिस्टम पे बनी है, और अभी अभी उन्होंने एक सीरीज बनाई विवेक रीजन, 15 एपिसोड्स में हैं, उसमें डॉक्टर दाभोलकर की हत्या का भी है, कलबुर्गी की हत्या का भी है, पानसरे की हत्या का भी है, पूरा आज की समस्या बताते हैं। और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स निकले हैं, रेगुलर चैनल्स को मत देखिए, रवीश कुमार सही कहते थे कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, और वास्तव में रवीश कुमार ने जब से NDTV देखा छोड़ा, मैंने भी बंद कर दिया, उसका एक ही प्रोग्राम मैं देखता था प्राइम टाइम, वो मैंने बंद करके उसके बदले, अभी मेरी पत्नी भी मेरे से ज़्यादा समझदार है तो वो बराबर ढूंढ के लाती है कौन से चैनल है, सत्य हिंदी डॉट कॉम में मेरी खुद की एक 70 वीडियोज़ की सीरीज़ है डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ। फिर हमारे जैसे लोगों ने चैनल भी चालू किए, सच्चाई तो है। एक अभी नाम खास तौर से आपको दिखता हूँ, आप में से नौजवान लोग याद रखिए, वह अशोक कुमार पांडे, बेहतरीन आज़ादी के आंदोलन के बारे में एक एक चीज़ का वो वर्णन देंगे उनके पूरे एपिसोड्स को। तो क्या हम ऐसा, ऐसी जगह पर बैठकर 30 लोग 40 लोग
हफ्ते में 2 घंटा निकालें, 2-3 वीडियो देखें, कुछ समझें और इस चीज को समाज तक आगे ले जाएं। याद रखिए दोस्तों, आज की समस्या है सामाजिक चेतना को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। उसी सामाजिक चेतना को हमको रिपेयर करना है, मजबूत करना है, बनाना है। और खास तौर से नौजवान दोस्तों से है, नौजवान लड़कियों से है कि जैसे इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के, एक बार वो मैंने कहा था ना जिसका ईरानी, ईरान से नाम आया, कौन सा था वो? हाँ, वो उसने एक बार बोला यूपी में हमने करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमको किसने रोका है? हमको किसने रोका है भाई? हम भी बनाए, हम गए 1000-1500 के ग्रुप बनाए और उसमें जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं बीच बीच में अपना उल्लेख करता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर जैसे मैं रोज़ अगर बॉम्बे में रहा तो सवेरे फेसबुक पर 3-4 पोस्टिंग्स करता हूँ, खुद की भी दूसरों की भी, ताकि समाज में चेतना का विस्तार हो। अब ये चीज़ों को अगर हम व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हिंदू दोस्तों में, मुसलमान दोस्तों में, और याद रखिए दोस्तों, आज भी मैं मानता हूँ हिंदुओं में सभी लोग कम्युनल नहीं हैं। देश इसीलिए टिका है कि हिंदुओं का मेजॉरिटी तबका आज भी बॉर्डर लाइन पे है। लोग उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो तबके तक हमको टारगेट करने की ज़रूरत है कि जो मिडल ऑफ द रोड हैं उन तक हमको जाना है। वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक, अब वो खैर मीडिया बदनाम भी हो गए हैं, पर हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमको किसने रोका है भाई कि हम अच्छे ग्रुप बना के अच्छी चीज़ों को सर्कुलेट करें, अच्छे लोगों को जोड़ें और उनके साथ अच्छी बातें करें? एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छा मटीरियल अवेलेबल है, हालात कितने भी खराब हो मटेरियल अच्छा उपलब्ध है। और दूसरी खुशी की बात है, बहुत सारे नौजवान दोस्त इसमें बहुत पावरफुल और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पकड़िए, ढूंढिए। अभी एक रोहित उपाध्याय का मैं देखता हूँ आजकल, एक उसका मैंने वीडियो देखा था मुस्लिम परिवारों पे, वो जो 4 बीवी 20 बच्चे वाला, इतना बेहतरीन वीडियो है, मैंने खुद होकर उसको 10 जगह फॉरवर्ड किया। तो सवाल अल्टीमेट तो ये है, एक फिलोसोफर ने कहा था कि दुनिया को समझने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, पर मुद्दा यह है कि हम समाज को बदलें कैसे। और उस समाज को बदलने में अगर हम एक बूंद भी योगदान कर सकते हैं तो वो जिम्मेदारी हमारी है। वो चिड़िया की कहानी आपको पता होगी, अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेके जाती है जंगल की आग बुझाने। लोग पूछते हैं तेरी एक बूंद से क्या होगा, वो कहती है मैं इतिहास में उन लोगों के साथ लिखी जाना चाहती हूँ जिसने आग बुझाने की कोशिश की। और ऐसे अगर एक बूंद करके हम लाखों लोगों की एक एक बूंद हो गई तो वो आग जरूर बुझेगी। और ये आप पर है और हम पर है कि हम एक उदार तरीके से सभी कम्युनिटीज़ को देखें और हमारे अंदर भी जो कुछ लोग हैं ज़्यादा कंजर्वेटिव, वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग भी समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। चुनाव के समय हो, दूसरी जगह हो, मिडल रोड, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग है। एक्सट्रीम रास्ते पर जाना गलत है, किसी को छोड़ देना वो भी गलत है। तो इन आधार पर अगर आगे गए तो छोटी उम्मीद तो है, और मैं चाहूँगा आप उम्मीद न छोड़ें। अगले वाले चुनाव हो या उसके बाद वाली, अगर चुनाव में बाई चांस इंडिया जीत जाता है तो हमारी जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है कि जो जहर इन्होंने बोया है उस जहर को हमको न्यूट्रलाइज करना है, उसको नाकामयाब करना है। और जो हमारा देश था जिसमें सूफी परंपरा पल सकी, भक्ति परंपरा आ सकी, जिसमें बिरयानी और शेरवानी ये चीज़ें हमारा पार्ट बन सकी, उस कल्चर को हम वापस फिर से लाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि हमारी तिश्नगी अभी भी बाकी